स्पेशल ट्रांजेक्शन्स कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे स्पेशल ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है एग्जाम्पल चेंज ऑफ ब्रोकर अगर आपका एक ब्रोकर है जो आपको सर्विस नहीं दे रहा है प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर रहा है तो आप आपके ब्रोकर को चेंज कर सकते हो आप इधर यू कैन बी डायरेक्ट इन्वेस्टर ऑफ अ म्यूचुअल फ़ंड और आप किसी और ब्रोकर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जा सकते हो उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट देनी होती है म्यूचुअल फ़ंड में और आपका ब्रोकर चेंज हो जाता है उसके बाद में नॉमिनेशन आप नॉमिनेशन रख सकते हो नॉमिनेशन ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही पॉसिबल होता है ठीक है एच के केस में नॉमिनेशन नहीं होता है इस पर सवाल आता है ओके सो so, आप मैक्सिमम नॉमिनी तीन रख सकते हो और उनको प्रोपोर्शनेट आप डिवाइड कर सकते हो जो भी फंड्स रहेगा कि आफ्टर डेथ आ, कितना परसेंट किसको जाना चाहिए ये आप डिफाइन करके दे सकते हो Uh, जैसे मैंने कहा कि नॉमिनी आप बदल कितने बार भी सकते हो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और देर इज़ नो देर आर नो चार्जेस कि ये एन ए वी अपना नॉमिनी बदलना है तो आपको कोई चार्जेस लगेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ठीक okay? है उसके बाद में यूनिट सर्टिफिकेट ये दिस इज़ आल्सो आ स्पेशल ट्रांजेक्शन अगर आप चाहते हो कि आपके जेड म्यूचुअल फंड में कितने नंबर ऑफ़ कितने यूनिट्स आपके हैं तो एक ही कागज पे ये सारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल जाते हैं इस सर्टिफिकेट को यूनिट सर्टिफिकेट कहते हैं वो रिक्वेस्ट करने के बाद में तीस दिन के अंदर आपको मिल जाना चाहिए ठीक है उसके बाद में डी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स डी में भी ख़रीदे जा सकते हैं मतलब एक्सचेंज पे स्टॉक एक्सचेंज पे भी म्यूचुअल फ़ंड मिलते हैं तो आप जब डी में म्यूचुअल फ़ंड ख़रीदते हो तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट म्यूचुअल फंड नहीं भेजता है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है आपको ब्रोकर से ब्रोकर की तरफ से उसे ही म्यूचुअल फंड का अकाउंट स्टेटमेंट माना जाता है ठीक है तो म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट के लिए अगर आप एक्सचेंज पे खरीदते हो तो आपको ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है स्टेटमेंट पाने के लिए